आज भी एक टास्क देकर जाने लग रहा हूँ मैं। कितनी डाल दी? पता नहीं कितनी डाल दी। पता ही नहीं कितनी डाल दी। ध्यान ही नहीं दिया। मैगी तो भाई कोई भी बना ले, पानी में डाल दो, अपने आप उबल जाएगी बेचारी। बहुत मजा आता था बर्तन धोने में, अब भी बहुत मजा आता है बर्तन धोने। अब वो टाइम आ चुका है कि अमरीन से चैलेंज करवाया जाए। राम राम दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे व्लॉग चैनल पर जिसका नाम है लव यानी कि लाइफ ऑफ वर्माज। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं जा रहा हूँ बाहर, और इस बार मैं अमरीन को एक टास्क दे के जाऊंगा, और फिलहाल मैं आपको अपना लुक दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो दोस्तों, येलो 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 और येलो ब्लैक, बस और कुछ मत दिखाना। ये मिक्स है भाई, ये देखो। तो अब मैं अमरीन को टास्क देने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं मात्र एक दिन के लिए, मुश्किल से एक रात के लिए जा रहा हूँ। और देखो सामान, देखो मेरा, ये देखो ये सामान, देखो इसको छोड़ कर के, ये देखो कितना सामान है एक दिन के लिए। और बैग्स के अंदर अभी तो बोल भी है, वर्कआउट करूंगा। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अमरीन के पास, देखने क्या कर रही है। क्या ढूंढ रहे हो? खाने का ढूंढ रही हूँ मैं। खाने का ढूंढ रहे हो? आपको पता है मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ जी। कितने दिन के लिए? एक हफ्ते के लिए। हाँ नहीं, एक दिन के लिए। हाँ एक हफ्ता तो अगर दिक्कत हो जाती है ना, इसको तकलीफ हो जाती है इसको। तो मैंने आपको बहुत पहले एक टास्क दिया था। हाँ, तो आज भी एक टास्क दे के जाने लग रहा हूँ मैं। आपको आई थिंक कुछ बनाना नहीं आता, तो किचन में आपको एक कोई ना कोई चीज आज बनानी है। बताओ क्या बनाओगे? मेरे को पिज्जा बनाना आता है, मेरे को केक बनाना आता है, मैगी बनानी आती है। ओह माय गॉड, पिज्जा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, केक, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। और मैगी तो भाई कोई भी बना ले, पानी में डाल दो, अपने आप उबल जाएगी बेचारी। मैगी मैगी नहीं, आई थिंक आपने कभी चाय नहीं बनाई। बनाई तो कुछ नहीं है ना, बनाया तो कुछ भी नहीं है। बनाई है मैंने, मैगी और केक और पिज्जा बनाया है। ओहो हाँ, ओह माय गॉड, जो ये डोमिनोज का पिज्जा चल रहा है ना, वो इसी की रेसिपी है भाई, है ना। और ये केक आप देख रहे हो कि कितने फैंसी केक आजकल चले हुए। ओह ये केक भी तो इसी ने बनाया था, ये देखो वेल पैक करके, और देखो कैसे कर, अरे भगवान भाई, मेरे भैया के बर्थडे का केक भी कैसे बनी है। हाँ झूठी 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 मजाल है, प्लेट से यहाँ तक उठाने के लिए भी एक बंदा चाहिए, काम कर ले। तो इसीलिए तो टास्क दिए जाते हैं इसको, टास्क के बहाने कम से कम काम तो कर लेगी। तो आज मैं टास्क देने जा रहा हूँ आपको, चाय बनानी है। मेरे को नहीं आती। नहीं आती, लेकिन एक चीज मैं, मेरे को पता है, आप मम्मी से पता कर लेना रेसिपी क्या है, और मम्मी को मैं बोल दूंगा कि वो साथ में खड़ी हो जाएगी। हेल्प नहीं करेंगी, वो साथ में खड़ी तो रहेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। और आपको चाय बनानी है, और मेरे को पता होना चाहिए फिर कैसे बनी है, मैं पता लूंगा। ओके ठीक है, बाय बाय। हे गाइस, राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो हम हो चुके हैं रेडी, और विजय जी जा चुके हैं, शायद पता नहीं उन्होंने बताया कि नहीं बताया, वो आज स्टूडियो में गए हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो किसी काम से। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उन्होंने अमरीन को दिया है आज एक चैलेंज, वो है चाय बनाने का चैलेंज। एक्चुअली हमारी प्लानिंग ये आपस में ही थी कि आज चैलेंज देते हैं अमरीन को। तो गाइज अब वो टाइम आ चुका है कि अमरीन से चैलेंज करवाया जाए, तो मैं अभी अमरीन को बुलाती हूँ और मैं फिर मिलवाती हूँ, और देखती हूँ आज वो चाय बना पाती कि नहीं बना पाती। एक्चुअली उसको कुछ नहीं आता, मैगी वैगी मतलब आता है कि नहीं आता वो मुझे नहीं पता, पर उसको कभी गैस पे मैंने अकेले ट्राई नहीं करने दिया है। आज भी मैं साथ में ही खड़ी रहूंगी उसके, और देखूंगी वो चाय बना पाती कि नहीं बना पाती, और मेरा वैसे भी चाय का टाइम हो ही गया है गाइज। और चलो बुलाती हूँ मैं अमरीन को। गाइज आ चुकी है अमरीन, मिलो, तो आप रेडी हो? हाँ मैं रेडी तो हूँ मेरे हिसाब से। नहीं वैसे रेडी नहीं है, नहीं मैं मैं चैलेंज के लिए रेडी बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं चैलेंज के लिए रेडी हूँ। मेरे को चाय बनानी बिल्कुल नहीं आती, मुझे सिर्फ पता है कि दूध, चाय पत्ती, पानी और अदरक, अदरक हाँ। अदरक होती है, और कुछ लोग इलायची भी डालते शायद। हाँ, तो गाइस देखते हैं अमरीन कैसी चाय बना पाती। वैसे आज आपकी तबीयत कैसी है ये बताओ अभी? बेटर है। बेटर है ना पहले से? नहीं, वैसे फेस से कभी भी है थोड़ा थोड़ा लग नहीं रही फेस से। और ये प्लेट जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, वो लड्डू रखे हुए हैं जो दिवाली वाले दिन विजय जी ने बनाए थे, तो ये बारी बारी खाए जा रहे हैं। आई मीन आदि खा रहा है, और तो कोई इनको खा ही नहीं रहा एक्चुअली, और काफी अच्छे लगे उसको ये। तो चलो गाइस शुरू करते हैं अमरीन का चैलेंज। तो चलो सबसे पहले
पतीला से पहले क्या निकालेंगे? पतीला मुझे आज याद है ये कहाँ है, वरना मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ क्या होता है। ये वाली है ना गैस? हाँ गैस ऑन करो। वाह वेरी नाइस, मुझे इतना ऑन कर ली गैस। और ये पतीला कुछ चाय के लिए बड़ा नहीं लग रहा आपको? कोई नहीं मैं से वैसे हमारे पास छोटा पतीला भी है पर वो जल चुका है गाइस, उसमें चाय एक दिन उबाली गई और वो जला दिया गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी इतना टाइम लगाओगे तो पतीला चल जाएगा उस दिन की तरह। पहले क्या डालते हैं सबसे पहले? पानी। यस ओके, मैं गाइस दूध भर ले आई हूँ। ये रहा पानी, पानी डालो। गाइस ये डल गया है पानी हमारा, और हम दूध डालेंगे। आप बताओ हम इसको गर्म होने देंगे थोड़ा शायद, और फिर क्या डालना है इसके अंदर? फिर शायद चाय पत्ती निकालो। नहीं हाँ मुझे नहीं पता डिब्बे बाहर है? हाँ बाहर बाहर निकालो। ये क्या निकाला है दिखाओ? ये मैंने टी निकाली है और ये शुगर निकाला है। वाओ तो सबसे पहले क्या डालोगे? टी। ओके ओपन किया टी, अब देखते हैं कितने। मैंने कुछ नहीं बताया गाइस अमरीन को कि कैसे चाय बनानी है, कितनी क्वांटिटी किस चीज की रहेगी, वो आज खुद ट्राई करने वाली है। मैं भूल भी गई हूँ, मैंने मम्मी को बहुत टाइम से देखा भी नहीं गाइस चाय बनाते हुए। डालो इतनी बस? मुझे नहीं पता, आप खुद करो क्या करना है। थोड़ा सा तो बता दो। नहीं मैं नहीं बता रही कुछ भी। फिर आप ही को पीनी है, कड़वी हो जाएगी तो मेरे को मत बोलना क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ गाइस। तो ये इसने चार बार चार चम्मच हाफ हाफ करके डाल दिए हैं, तो दो चम्मच अभी तक तो लग रहा है कि शायद ठीक ठाक ही होगा मामला। शाबाश बेटा। अब चीनी, चीनी डालो। कितनी डालनी है? वन हाफ थी वो, तो ये दूसरी। ओके गाइस तो मेरी चीनी कितनी डाल दी? पता नहीं कितनी डाली। पता ही नहीं कितनी डाल दी। ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो अभी क्या करना है? अभी दूध डालना है इसमें। और क्या डालते हैं चाय के अंदर? अदरक। अदरक कहाँ है निकालो। एक सेकंड, पहले दूध डालते हैं ना? पहले दूध ही डाल दोगे? पहले अदरक डाल देते हैं एक्चुअली, इतना तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अदरक डाल देते हैं। यहाँ है अदरक, आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हो। इधर इसमें है। अच्छा ये कहीं रखी है पीछे। और इसको चाकू से काटो, ये नहीं उसमें कूटेंगे हम, कूट के डालेंगे, कस के नहीं डालेंगे। ये ज्यादा वो हो रही है, इसको कम करती हूं मैं। नहीं उबलने दो ना इसको। अच्छा ठीक है सर। चलो उसमें डालो। पहले कट करती हूं। कितनी अदरक डालनी है आपको पता है? तो इतनी क्यों काट रहे हो आप? ये ज्यादा है? मुझे नहीं पता, आप बताओ। थोड़ी कम कर देती हूं गाइस, बिना अदरक की चाय अच्छी होती है शायद। मतलब मैं मेरे को जहाँ तक देख के लग रहा है ना अमरीन ठीक ठाक चाय बना लेगी, क्योंकि अदरक भी ठीक ही डालते हैं। कूट दिया। चलो ये लाल हो गई। कोई लाल ही तो होगी बेटा, चाय पत्ती और येलो कैसे होगी? मैंने लाल नहीं देखी। ओ नहीं रुक, कहाँ से आते हैं? तो अदरक डाल दी है अमरीन ने, अभी क्या डालना है? एक सेकंड गाइस, दूध डालते हैं ना। दूध? हाँ दूध डालो। कलर तो सही है। ओ माय गॉड, पूरा एक गिलास दूध एक गिलास दूध डाल दिया गया है इसके अंदर। और ये कितने लोगों की चाय बना रहे हो आप? एक गिलास तो एक ही बनी शायद। एक गिलास एक बंदा पीता है, और इसमें पानी भी था, तो कितने लोगों की चाय बनने वाली है? दो। देखने में तो लग रही है चार पांच कप आपने बना दिए। हाँ? तो अभी क्या करना है? अभी वेट करना है इसको। किसका? मैं हिलाऊंगी इसको। तो गाइस जहाँ तक मेरे को देखने से लग रहा है ना कि चाय ठीक ठाक बनने वाली, हो सकता है शायद चीनी कम हो, क्योंकि चीनी हमने मैंने ध्यान नहीं दिया अमरीन ने कितने डाली। और मैंने एक बार दो बार हाफ और एक बार पूरी डाली थी। होप सो वो भी ठीक हो चीनी भी, पर देखने से तो शक्ल अच्छी लग रही है चाय की, कैसी बनेगी? अच्छी ही बनेगी शायद, मुझे लग रहा है। अदरक भी सही हिसाब से डाली और चाय पत्ती भी ठीक डाली अमरीन ने, और अभी देखते हैं चाय कैसी बनेगी। तो इसके उबलने का वेट किया जाए। हाँ और गाइस मुझे सच में मम्मी ने नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, कुछ नहीं बताया अभी तक, सिर्फ मैंने सबको चाय बनाते हुए देखे, मैंने कभी जिंदगी में चाय नहीं बनाई है। तो लेट्स सी। पता है आपको, अगर आज आपने चाय अच्छी बना दी ना, फिर आप फंस जाओगे डेली बनाने के लिए। आर यू रेडी फॉर दिस? नहीं तो चलो कोई नहीं, आज ही बनवाते हैं आपसे। नहीं
नहीं मैं बाकी मैं बना दूंगी क्योंकि मुझे ना काम करना गाइस बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं करती नहीं। और ये एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है कि इसको काम करना अच्छा लगता है। गाइस आपको पता है जब मैं थोड़ी सी और छोटी थी 3-4 साल पहले जब पहले जितने साल की थी तो तब ना मेरे को बर्तन धोने ना बहुत पसंद थे। तब मैं ना मम्मा जब सो रही होती थी ना शाम को रात को पता नहीं कभी भी सो रही होती थी तो आई वाज लाइक मैं बर्तन धो देती थी एंड मेरे को बहुत मजा आता था बर्तन धोने। मेरे को अभी बहुत मजा आता है बर्तन धोने में। मैंने धोती नहीं हूँ वो अलग बात है। मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटती है बर्तन धोने में। डांटती नहीं हूँ अभी बच्चे हो आप तो ये काम करने की जरूरत नहीं है अभी आप सिर्फ पढ़ाई बन गए क्या ये भी मत बनाओ। सबसे बड़ा काम यही होता है चाय में कि उसके उबलने का वेट करना पड़ता है तो ये सब बोरिंग होता है। बहुत बोरिंग है। इस मैं अदरक खाऊंगी। अदरक ऐसे नहीं बोरी क्यों खराब कर रहे हो। नहीं खाते क्या। ना ना खाते नहीं ऐसे जलेगी जीभ। जी जलती क्यों है फिर तो इससे भी जलनी चाहिए। उबल गई। उबल गई तो इसको स्लो कर देते हैं और ये स्लो में भी बाहर निकल सकती है क्योंकि हमारी छोटी वाली गैस पे इसको रखना पड़ेगा जो कि ये निकलने वाली है। बंद कर दी। अब इसको छोटी वाली पे ट्रांसफर कर दो। ओ अच्छी स्मेल आई है। मेरे को दूध वाली पसंद है गाइस। चाय में जब पीती थी तब है। अच्छी स्मेल आ रही है। अच्छी स्मेल आ रही है। मेरे को तो कोल्ड है मुझे नहीं आ रही स्मेल। दूध वाली स्मेल आ रही है। तो फाइनली चाय उबलने लगी है और आप देख सकते हो लुक वाइज अच्छी लग रही है। वाह बेटा वाह आप तो पास हो गए लगता है। वो टेस्ट करके बाद में बताऊंगी। स्मेल करके देखा तो सीरियसली दूध वाली स्मेल आ रही है और जो दूध वाली चाय है ना मेरे को बहुत पसंद है तो मैं पी भी सकती हूँ शायद आज अगर अच्छी हुई तो। सच्ची क्या जामरी ने फर्स्ट टाइम चाय ट्राई करी है और जहाँ तक देख के मुझे लग रहा है कि अच्छी चाय बनाई हुई है अमरीन ने और तबीयत खराब में भी उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है और मेहनत करती है बच्ची। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करना अमरीन के लिए भी जरूर क्योंकि लास्ट वीडियो में भी आपने अमरीन के लिए बहुत अच्छे कमेंट करे थे उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये मैंने मेरी पूरी खानदान को सिखा दिया है। ये मैंने सीरियसली सबको सिखा दिया है। इसका मतलब क्या होता है शायद आप लोगों को पता हो है ना। कोरियन हार्ट होता है। कोरियन हार्ट होता है। तो गाइज चाय बन गई है फाइनली और मेरा पीने का बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है क्योंकि चाय का टाइम भी हो चुका है और उबल उबल के बहुत अच्छा लुक आ चुका है चाय का। देखो बंद कर दो। नहीं अभी नहीं दिखा। वाओ लेकिन अभी मेरे को लग रहा है मैं फंस जाऊंगी। अगर मम्मी को अच्छी लगी तो फिर रोज मेरे को बनानी। नहीं हम मेरे बच्चे को तंग नहीं करने वाले गाइज। हम अमरीन को तंग नहीं करेंगे। अगर चाय छिमी बनेगी तो आगे चैलेंज अच्छे अच्छे दे सकते हैं हम इसको। हाँ और उस एक दो बार तभी मैं भी बना लिया करूंगी फिर चाय मम्मा के लिए भी और खुद के लिए भी। मैं वैसे पीती नहीं हूँ गाइज। मैंने बहुत बहुत महीनों पहले छोड़ दिया चाय। आओ छान दोगे क्या। मैं करूँ। मैं छानूंगा। छलनी रख दी है अमरीन ने कप के ऊपर उल्टे हाथ से। वाओ गाइस अमरीन ने ये चाय बनाई है फाइनली। तो आप लोगों के सामने टेस्ट करूंगी। अभी थोड़ी ज्यादा गर्म है इस वजह से इतनी जल्दी टेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ। थोड़ा वेट करने के बाद मिलते हैं। तो गाइज अब मैं चाय पीने वाली हूँ जो अमरीन ने एक चैलेंज एक्सेप्ट करके बनाई है। तो दिखने में तो अच्छी लग रही है। अब टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। ठंडी तो अभी हुई नहीं है बट चलो कर ही लेते हैं टेस्ट। वाओ सच वाओ नाइस। बहुत अच्छी जो उबाल के एक चाय पक जाती है ना उस तरह की बहुत अच्छी। और अदरक की क्वांटिटी भी एकदम सही है क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाए तो अदरक वैसे ही चलने लगती है। चाय बहुत अच्छी बनाई है। थोड़ा सा मीठा कम है मुझे लगा। तो चाय एक नंबर बनी है गाइस। तो अमरीन पास हो गई। और गाइस अमरीन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरा किया। अब विजय जी बताएंगे कि वीडियो देखने के बाद कि उनको चाय देखने में कैसी लगी क्योंकि वो ट्राई तो नहीं कर पाए। देखने में कैसी लगी उनको वो बाद में आके ही बताएंगे इस चीज को।
और अभी गए हैं वो, शायद पहुंच गए होंगे वो स्टूडियो में। और गाइस वो अभी देख रहे हैं, पी नहीं पाए, तो अगली बार मैं भी जरूर उनको पिला के दिखाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि चाय तो अभी छोड़ी हुई है, अभी तो नहीं पियेंगे क्योंकि अभी काफी टाइट शेड्यूल चल रहा है विजय जी का, तो इस वजह से चाय पी नहीं पाएंगे। अमरीन का चैलेंज आज का यहीं तक था गाइज, और मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो गाइज मैं अभी वेट कर रही हूँ अमरीन का, अमरीन जस्ट खेल के आने ही वाली है, अभी मैसेज आया है अमरीन का और शायद मुझे वो दिख भी गई है अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उस तरफ अंधेरा है और काफ़ी दूर जूम करना पड़ेगा मुझे वीडियो को, तब दिखाई देगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर दिखा सकती हूँ कि कल से शायद छठ पूजा स्टार्ट होने वाली है, कल से 20 तारीख तक आई थिंक, मैंने अभी गूगल सर्च किया था और हमारी मेड भी बता रही थी कि कल से स्टार्ट है, तो वो कल आएगी और परसों छुट्टी लेने वाली है, तो इस वजह से मुझे पता है। और मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारी सोसाइटी में कैसे तैयारियाँ चल रही हैं और कहाँ छठ पूजा होने वाली है। तो ये देखो, क्लियर तो शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, पर ये जो है यहाँ पे, ये हमारा स्विमिंग पूल है और इसको सजाया गया है छठ पूजा के लिए। मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं छठ पूजा की, शायद वो पानी में कुछ पूजा वूजा होती है तो उस वजह से स्विमिंग पूल को खाली करके साफ करके फिर दोबारा भरा है शायद, और ये लाइटिंग वाइटिंग वहाँ पे की गई है।